खबर मध्य प्रदेश के पवई से आ रही है, जहां एसडीएम श्रुति अग्रवाल, सौरभ रत्नाकर, एसडीओपी थाना प्रभारी त्रिवेंद्र त्रिवेदी की मौजूदगी में थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी सहित अन्य त्योहारों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाए जाने पर चर्चा की गई। साथ ही बैठक में मौजूद नगरवासियों ने आवारा पशुओं, अतिक्रमण वाले साप्ताहिक बाजार, सड़कों पर खड़े रहने वाले वाहन से प्रभावित हो रही यातायात व्यवस्था, छत्रसाल स्टेडियम, साप्ताहिक बाजार आदि समस्याओं के समाधान की बात कही, जिस पर एसडीएम ने संबंधित विभाग को तत्काल अमल करने के निर्देश दिए। बैठक में कुछ लोगों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि हर बार शांति समिति की बैठक आयोजित की जाती है, लेकिन बैठक में दिए गए सुझाव और समस्याओं का समाधान नहीं होता है, जिस पर एसडीएम ने आश्वासन दिया कि बैठक के सभी बिंदुओं पर व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी। इस दौरान जनप्रतिनिधियों सहित कुछ विभागों के लोग व गणमान्य लोग मौजूद रहे। रक्षाबंधन, कजरिया, हरषट और कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर एसडीएम मैडम की अध्यक्षता में एक शांति समिति की मीटिंग आयोजित की गई। इसमें सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे, पत्रकार बंधु, इसके साथ जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। त्यौहार कैसे मनाया जाए, इस संबंध में किस प्रकार की परंपरा है, व्यवस्था उसके संबंध में जाना और किस प्रकार की व्यवस्थाएँ की जाना है, ये लोगों ने बताया है। हमने कुछ सुझाव दिए हैं जिस पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। साहब के साथ सभी गणमान्य आगामी जो त्यौहार है उनको लेकर बैठक करेंगे, व्यवस्थाओं के संबंध में सभी चर्चा।